Assalamualaikum. कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. वेलकम टू व्लॉग विद बीना. और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद करती हूँ मैं आपसे JDCC की इंफॉर्मेशन शेयर. अच्छा जी, मेरी पहली क्लास थी, क्लास नहीं ओरिएंटेशन था हमारा. जितने भी बच्चों के सिलेक्शन हुई थी उन सब लोगों का ओरिएंटेशन था, जिसमें मैंने एक वीडियो डाली थी और उस पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए कि हमने भी जो है फॉर्म फिल किया था लेकिन अभी तक हमारा नाम नहीं आया. और एक और जो कमेंट्स ज़्यादा आ रहा था कि प्रोसेस बता दें फॉर्म फिल करने का. इसके अलावा एक और कमेंट था जिसमें ये था कि आप हमें ये बता दें कि इस ये JDCC का ऑफिस कहाँ पर है. और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर थे. पहले मैं इन तीन का जवाब दे दूँ तो JDCC का जो ऑफिस है, सबसे पहले वो है 5 स्टार पे. 5 स्टार मशहूर और फेमस जगह है कराची की, और मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा कि 5 स्टार कहाँ पर है. तो 5 स्टार पे चेस वैल्यू के बिल्कुल ऑपोजिट है, और कॉर्नर पर चिंची वालों का स्टॉप भी है. अगर आपको नहीं नो हाउ होती तो आप चेस वैल्यू पहुँचिए, 5 स्टार की लोकेशन निकाले, 5 स्टार चौरंगी. 5 स्टार होटल मत खोलिएगा तो वरना होटल ही आ जाएगा. तो 5 स्टार चौरंगी की लोकेशन निकालें तो बिल्कुल सामने ही JDCC का ऑफिस बना हुआ है. सामने फ्री IT JDCC लिखा हुआ है. आप लोग वहाँ जाके, आप फिलहाल तो जो फॉर्म है ना वो बाय ऑनलाइन नहीं हो रहा, वो फिज़िकल सबमिट हो रहा है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि फॉर्म सबमिटेशन कैसे है, इसका प्रोसेस, इसका तरीका कार कंप्लीट कैसे है, वो हमें बता दें. तो सबसे पहले तो आप लोग वहाँ पहुँचे, वो लोकेशन निकालें. आप गूगल कर सकते हैं वो लोकेशन, गूगल पे आपको वो लोकेशन मिल जाएगी. उसके अलावा आप जाएं वहाँ और वहाँ से लें फॉर्म. फॉर्म अगर वहाँ से नहीं भी मिलता तो JDCC की अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर JDCC का फॉर्म है, वहाँ से वो फॉर्म लें, प्रिंट आउट करवाएँ, उससे फिल करें और फिर जाके वहाँ सबमिट करवा दें. इनके ऑफिस में JDCC का फ्रंट पे एक ऑफिस बना हुआ है. वैसे तो अंदर क्लासेस वगैरह को हटा के मैं ये बात कर रही हूँ, इनका जो इन्फॉर्मेशन के लिए एक ऑफिस इन्होंने छोटा सा एक बनाया हुआ है, रूम बनाया हुआ है, रिसेप्शन बनाया हुआ है जिसे कह सकते हैं आप. वहाँ पे कुछ इनके बैठे हुए हैं एम्प्लॉयज़, 2 से 3, जो कि एनी टाइम आपको 24 आवर्स आपको गाइड करने के लिए. वैसे तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग 10 to 10 टाइमिंग है, लेकिन इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं जिन पर आप एनी टाइम कॉल करके मालूम कर सकते हैं. तो वहाँ जाके फिज़िकल आप फॉर्म फिल करें, उनको सबमिट करवाएं. और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरी, अगर आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांचवीं दफ़ा फॉरी करेंगे ना अपनी, तो ज़रूर कामयाब होंगे. तो अगर आप एक दफ़ा ये कहते हैं कि हमें बैठे बैठे सब कुछ, तो बैठे बैठे कभी किसी को कुछ नहीं मिला. यकीनन तारीख गवाह है, खुदा गवाह है. चाहे कोई रेफरेंस वाला हो, चाहे विदाउट रेफरेंस वाला हो, उसको उसके पीछे भागना पड़ता है, दूसरे बंदे के लिए भागना पड़ता है. तो आपको अगर अपनी सिलेक्शन करवानी है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अपना फॉर्म फिजिकल फिल करना पड़ेगा और फिल करके वहाँ सबमिट करवाना पड़ेगा. तो सबमिट करवाने के बाद आपका नाम देखें, आपके लक पे डिपेंड करता है. और इंशाल्लाह दुआएं करते रहा करें और ज़रूर किसी न किसी दिन तो आप. और हर 3 मंथ्स बाद इनका एक न्यू बैच स्टार्ट होता है, तो आप अपना फॉर्म फिल करें. अल्लाह की आस पे इंशाल्लाह किसी न किसी बैच में आपका नाम ज़रूर आ जाएगा, और इंशाल्लाह आप भी एक ना एक दिन हमारी तरह क्लास में बैठे हुए होंगे. अच्छा, ऑनलाइन JDCC का फॉर्म फिल नहीं होता फिलहाल, ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है ऑनलाइन का. प्रोसेस भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. जैसे कि आपको पता है अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, अभी 3 बैच कम्प्लीट नहीं हुए, 3rd बैच स्टार्ट हुआ है. तो इंशाल्लाह ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त फिलहाल जो है वो फिज़िकल है. तो आप लोग जाएं और JDCC की वेबसाइट पे, JDCC की अपनी वेबसाइट है JDCIT.org, आप गूगल पे सर्च करें, आपके सामने वो वेबसाइट आ जाएगी. उस पर उसका JDCC का फॉर्म भी होगा, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. या फेसबुक पे JDCC की वेबसाइट है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. तो वहाँ से डाउनलोड करके आप फिजिकल उसको फिल करें, फिल करने के बाद आप जाके उनके रिसेप्शन पे जमा करवा दें. इन केस आपको रिसेप्शन पे इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं मिलती या आपको कोई गाइड नहीं करता, तो आप इर्तजाज़ साहब से, जो इर्तजाज़ सर होते हैं वहाँ पे, वहाँ की मैनेजमेंट देखते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं मतलब आप उनसे जाके रब्ता कर सकते हैं. ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड ही इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन. तो आप लोग उनसे भी बात कर सकते हैं, वो आपको अच्छी अच्छी गाइडलाइन देंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे.
इन केस ये उस सूरत में मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ और इर्तजाज़ सर का मैं उस सूरत में बता रही हूँ। इन केस अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन, वैसे तो वहाँ दे देते हैं रिसेप्शन पे जो बैठे हुए होते हैं, खैर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे रिसेप्शन पे अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने गाइड नहीं किया था। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम थकन हो जाती है, रात के 10 बज रहे थे और मैं 9:30 बजे गई थी, शायद इसलिए उन्होंने मुझे अच्छे से वो नहीं दिया, इंटरटेन नहीं किया, तो उस वजह से। लेकिन खैर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप जाएं और अपना फॉर्म सबमिट करें और इंतज़ार करें और अपने लिए दुआ करें, अपने लक के लिए। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद सिर्फ आपने दुआ करनी है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भरोसा किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपका अल्लाह के ऊपर भरोसा है ना कि इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरा नाम आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा करके अगर आप चल रहे हैं ना तो यकीन जाने ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे, ये मेरा दावा है। जो शख्स अल्लाह पे भरोसा करता है, अंधा भरोसा करता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों से कि इसको गिरने मत देना क्योंकि इसका भरोसा सिर्फ मैं ही हूँ। तो आप लोग परेशान ना हो, बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारे लड़के जिन्होंने मुझे कॉमेंट्स किए हुए थे और वो परेशान थे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा यहाँ पे कोर्स करने का, तो ज़रूर आप लोग जाएं और जो मैंने प्रोसेस बताया, तरीका कार बताया, वो अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे एक और कमेंट आया हुआ है जो कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है पर मेरा नाम अभी तक नहीं आया, तो काइंडली प्लीज़ आप मुझे बता दें कि नाम कैसे आएगा। देखें, ये तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करने से ही आपका नाम आएगा और अल्लाह के ऊपर इतना अंधा भरोसा करना चाहिए कि अल्लाह ताला कहे कि जाओ, फरिश्तों से कहे कि जाओ और इसका जो है ना वो अंधा भरोसा मेरे ऊपर जो है वो कामिल कर दो, यकीन में बदल दो कि अल्लाह सुन रहा है। तो सबसे पहले आपने अल्लाह पे कामिल यकीन रखना है और इंशाल्लाह आपका नाम आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज़, देखिए अगर आप एक दिन पेपर देते हैं ना तो दूसरे दिन कभी भी आपका रिजल्ट नहीं आता, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगा सकते हैं, तो रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगता है। और ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नहीं ले सकते, अभी ऑनलाइन का स्टार्ट नहीं हुआ, इवन के मोबाइल वहाँ पे यूज़ भी नहीं कर सकते क्लास में। तो अगर ऑनलाइन का हुआ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ आप सबको, टेस्ट किसी का नहीं होगा आईटी में, क्योंकि पहले तो ओरिएंटेशन क्लास है, उसके बाद जो आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है क्लास 1 से ही शुरू होगी, इससे क्लास लेने से पहले कोई टेस्ट नहीं है। प्लीज गाइड मी हाउ कैन आई टेक एडमिशन एट JDC IT सिटी। तो वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, आप लोग मेरी वीडियो में देखें लाजमी और आपको पता चल जाएगा। एडमिशन मैंने आपको बता दिया है, आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है, किस तरह सबमिट करवाना है, उसकी लोकेशन में ईच एंड एवरीथिंग मैं हर चीज़ आप लोगों को बता चुकी हूँ। जहाँ फॉर्म फिल करना है वहाँ लिंक बता दें जी। तो कोई ऐसा लिंक नहीं है कि आप वहाँ फॉर्म फिल करें, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, फिजिकल सिस्टम है। जब सबसे पहले जब JDC ने ये स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी फिजिकल था, अभी भी फिजिकल है। आप फिजिकल रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना फॉर्म सबमिट करवाएं, जो कि मैं एड्रेस बता चुकी हूँ वीडियो में, वहाँ जाएं और वहाँ पे अपना फिजिकल फॉर्म डाउनलोड करके अपना ले जाएं वेबसाइट से, वहाँ फिजिकल जमा करवा दें। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, मैट्रिक लेवल कितने महीने का कोर्स है ये? तो जी, ये जो डिफरेंट उस पर है, अमेजोन का 3 मंथ्स का है, बिजनेस डेवलपमेंट का 2 मंथ्स का है, इंग्लिश लैंग्वेज का आई थिंक 3 मंथ्स है, 2.5 इस तरह करके है। कैसे आपने एडमिशन लिया और कहाँ फॉर्म फिल किया, प्लीज़ लिंक शेयर कर दें। तो जी, ये मैं बता चुकी हूँ कि मैंने एडमिशन कैसे लिया, मैंने फिजिकल फॉर्म फिल किया था और अल्लाह के ऊपर भरोसा करने से मेरा जो है वो मैं कामयाब हो गई। सलाम, टाइमिंग क्या है? मेरी भी सिलेक्शन हो गई है। तो जी, बहुत बहुत आपको मुबारक हो जिस जो आपकी सिलेक्शन हुई है। तो मेरी जो क्लास है वो बहुत कम बच्चे ऐसी क्लास लेते हैं, एक्चुअली मैंने अपनी फील्ड के हिसाब से, मुझे सर इर्तज़ा ने भी, मैं उनकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ इर्तज़ा सर की, कि उन्होंने मुझे ये गाइड किया। मैंने अपनी फील्ड के लिहाज से जो है वो इस कोर्स की स्लैब की
Zafar Bhai, you are doing great job for Karachi and all Pakistan peoples. Yeah, Zafar Bhai के हम बहुत 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 शुक्र गुजार हैं, बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये समझती हूँ इंसानियत सिर्फ कहने से इंसानियत नहीं है, इंसानियत दिखाने से इंसानियत नज़र आ. मैं जानती हूँ आप लोग सब बहुत परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए परेशान होना चाहिए. तो इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह ताला आप लोग को ज़रूर कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का ज़रूर बहुत जल्दी नाम भी आएगा. आप लोग मुझे कमेंट भी करेंगे कि हमारा नाम आ चुका है और इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन हम भी आपसे मिलेंगे और आप भी डॉलर्स में कमा रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे. तो जी, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.